इसमें प्यारे भाई और बहन मां कुछ सूचना है। संत पापा इस COVID-19 कोरोना भूताणु महामारी के दूरीकरण के लिए सबों को आह्वान किए हैं। सभी धर्म परम सभी धर्म के सभी भाई बहनों को विशेषतः हमारी कलीसिया को कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जल्दी परमेश्वर इस महामारी को हम हमारी इस धरती से दूर हटाए। इसलिए इसी महीना का मई महीना का 14 तारीख को संत पापा ने हम सबों को प्रार्थना और उपवास और चैरिटेबल वर्क्स भाईचारा प्रेम की दूसरों की सहायता कर करने की कार्य में लगे रहने के लिए 14 मई को ठहराए हैं। इसलिए सभी पुरोहित भाइयों सभी धर्म बहने धर्म भाइयों और सभी भाई माता पिताओं और भाइयों बहनों मैं आप लोगों से अर्जी करता हूँ 14 तारीख मई को इस महीना का अब अगले थर्सडे गुरुवार दिन हम इसी मतलब के साथ इस दिन को बिताएं प्रार्थना में उपवास में और दूसरों की सहायता में जिससे कि परमेश्वर हमारी दुआ को सुने। हमारे डायसिस में हमारे बिशप साहब से धर्म प्रांत की ओर से उस रोज तपस प्रार्थना होगी उपवास विनती प्रार्थना सुबह 9 बजे शुरू होगी 1 बजे तक। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि इस तपस प्रार्थना फास्टिंग एंड प्रेयर उपवास और प्रार्थना के इस प्रार्थना में 9 से 1 बजे तक इसमें आप लोग सीधा प्रसारण हम लोगों का जो चैनल है गुलशन एक का उसमें आप लोग भाग ले सके और उस दिन हमारे साथ जुड़े होकर संत पापा की इसी मतलब के लिए हम प्रार्थना कर सकें। इसलिए मैं आप सबों को अर्जी करता हूं इस दिन हम सबों से जुड़े रहकर प्रार्थना करें। दूसरी अर्जी हम कुछ दिन पहले आप लोगों से अर्जी किए थे कि हमारे भाई बहने हमारे डायसिस हमारे इस सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे आदिवासी भाई बहने बड़े बड़े शहर में अटक गए हैं। उन्हें आने का कुछ साधन नहीं मिल रहा है, खाने का प्रबंध और बहुत असुविधा से वो वहां तकलीफ से जीवन बिता रहे हैं। आने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग टीवी में देखते हुए उनकी परिस्थिति को। तो इस समय मैं आप सबों से अर्जी करता हूं आप लोगों के घर परिवार से गांव से भी कि जो कोई भाई बहने उनको कुछ जरूरत है कि आने का चाहते हैं आप लोग दयापूर्वक उनके नाम उस शहर का नाम और उनके मोबाइल नंबर देने की कृपा करें। हम बोले थे जो दिए हैं आप और इस बार याद करें फादर पेट्रोस के मोबाइल नंबर में और फादर हरमान मिच के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर में इसको भेजने की कृपा करें जिससे कि हम जो इस शहर में हैं उनको हम कॉन्टैक्ट कर सके और जो मदद कर रहे हैं उनको हम कह सके कि उनको कुछ मदद पहुंचा सके। और हम लोग आप उन लोगों का नाम लिस्ट लेकर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कलेक्टर के पास जाएंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि वे उन लोगों को जल्दी वहां से वापस लाए। आप देखते हैं झारखंड से जो जहां जहां इधर उधर से थे उनका ट्रेन आ गई उनके झारखंड पहुंच गए। एमपी से बहुत सारे ट्रेन वापस आए उनके जो प्रवासी थे उनको लेके आ गए। इसी प्रकार विभिन्न स्थान से हमारे इस उड़ीसा भी गंजम में आए हैं लेकिन हमारे यहाँ एक भी प्रवासी नहीं वापस लौट सकते हैं। तो हम उनसे अर्जी करेंगे कि उनके नाम लिस्ट देकर और कहाँ हैं जिससे द्वारा हमारे यहाँ के नोडल ऑफिसर और सरकार उनके पर दयादृष्टि करे और उनको जल्दी यहाँ वापस लाने की और लोग प्रयत्न करें। इसलिए आप सबों को उनके नाम कौन शहर में है और उनके मोबाइल नंबर देने की कृपा करें जिससे हम कुछ भी प्रबंध कर सकें। धन्यवाद।